नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दो बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी चीन में मौजूद हैं और चीन से ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर तगड़ा वार किया। नाम लिए बगैर अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ाने को लेकर घेरा, लेकिन इस हमले के चंद घंटे बाद ही शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में जब पीएम मोदी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आमने सामने आ गए तो दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, गुफ्तगू भी की। भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों के बीच ये तस्वीर खुशगवार है। चीन के शहर किंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन का मंच सजा था। उद्घाटन सत्र खत्म होने के बाद जब नेता एक दूसरे से मिल रहे थे, तभी पीएम मोदी के करीब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन पहुंचे। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाकर मोदी आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर मुड़कर उन्होंने पाक राष्ट्रपति से कुछ कहा और आगे बढ़ चले। आगे चलकर जब हुसैन दूसरे नेताओं से हाथ मिलाने लगे तो फिर मोदी पीछे मुड़े और कुछ कहा। इसके बाद वो तेजी से पुतिन के साथ आगे बढ़ गए। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के उद्घाटन सत्र में पाकिस्तान पर पीएम मोदी के हमले के चंद घंटे के भीतर ही हुई। अफगानिस्तान के बहाने पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए पाक पर बड़ा वार किया था। अफगानिस्तान की स्थिति हमारे साझा क्षेत्र में अतिवाद और आतंकवाद के कुपरिणामों का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति गनी ने जिस भावना से शांति के लिए एक बार फिर से साहसिक कदम उठाए हैं, उस भावना का सम्मान सभी पक्ष करेंगे। ये छिपा नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। ऐसे में इस अनौपचारिक गुप्तगु और गर्मजोशी के मायने तभी निकलेंगे जब भारत की बात मानकर पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद करेगा। आज तक ब्यूरो। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर काबू करने के लिए बाकी देशों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन रमजान में ही आतंकी घुसपैठ की बड़ी कोशिश सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम कर दी। आधी रात को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकवादी एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 6 आतंकवादियों को मारकर जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। बॉम्बिंग ऑपरेशन की यह तस्वीर कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में आतंकियों से एनकाउंटर के ठीक बाद की है। शनिवार और रविवार की दरमियानी एलओसी पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों की आहट पाकर जब जवानों ने मोर्चा संभाला तो बड़ी साजिश की परतें खुलनी शुरू हो गई। भारी मात्रा में हथियारों से लैस आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में थे। जवानों ने जब ललकारा तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 3 घंटे बाद गोलीबारी थमी तो जवानों ने चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। 6 आतंकियों के शव मिले, साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। रमजान को देखते हुए सेना एक तरफा संघर्ष विराम का पालन कर रही है, आतंकी उसी का फायदा उठाने की कोशिश में। लेकिन मुस्तैद जाबाज जवानों के आगे दहशतगर्दी की हर कोशिश नाकाम हो रही है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश की। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पुराने सरकारी बंगले के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। इस बंगले में तोड़फोड़ के आरोपों को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी ने उल्टा सरकार पर पूर्व सीएम को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा दिया है। लखनऊ के 4 विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पुराने सरकारी बंगले के भीतर की यह तस्वीर जब सामने आई तो हर कोई हैरान था। फर्श की टाइलें उखड़ी हुई थी, दीवारों में तोड़फोड़, हर कमरे में तोड़फोड़ के निशान। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आरोप लगा कि अखिलेश ने अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी के सबूत छिपाने के लिए ये सब किया है। क्या है, लोग आलीशान जीवन में जीते थे और मतलब आवास इस प्रकार बनाते थे जैसे गवर्नमेंट का गरीबों के खून पसीना की कमाई को लूट कर 100-100 करोड़ रुपया लोग लगाए हैं अपने अपने बंगलों में। ऐसा थोड़ा होता है। मानी राजनाथ सिंह का बंगला देख लीजिए, मानी कल्याण सिंह का बंगला देख लीजिए, उसमें कौन से ऐसा कुछ लगाया गया है? 100-100 एसियाँ, AC लगवाना, एक एक टाइल सिटली का लगवाना, क्या मतलब है समोसे? आरोपों के तीर जब चले तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि अखिलेश को बदनाम करने के लिए सरकार के स्तर पर ऐसा किया गया। ये तोड़फोड़ बंगले की चाबी सौंपने के बाद हुई है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। जिस तरीके से तोड़फोड़ करके
सरकार ने मीडिया के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने की कोशिश की है, इसकी जांच करा लें। ये कैसे, कौन तोड़फोड़ किया है, इसकी एक बार जांच हो जाने दीजिए। अपने आप सामने निकल कर आ जाएगा क्या है, किसका कौन दोषी है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि तोड़कर कहां सामान गया है। बीजेपी कहती है अखिलेश ने बंगले में तोड़फोड़ कराई। समाजवादी पार्टी कहती है इसके पीछे सरकार है। आखिर जनता को सच्चाई का पता कैसे चलेगा? कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। रुक करते हैं अगली खबर का। लालू परिवार में सत्ता संघर्ष की खबरों के बीच लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने सफाई दी है। आज तक से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि दोनों भाइयों के बीच सत्ता का कोई संघर्ष नहीं। हालांकि तेज प्रताप ने यह फिर कहा कि आरजेडी अध्यक्ष कुर्सी पर रामचंद्र पूर्वे की जगह कोई युवा होता तो बेहतर होता। तेज प्रताप यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। कल जिस तरीके से विवाद उठा उसके बाद पहली बार बात कर रहे हैं आज तक पे। तेज भाई, कल से जब ये विवाद पूरा उठा है आपने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, किसको लेकर नाराजगी व्यक्त की आपने? देखिए, पार्टी में जिस तरीके से पार्टी को धुलमिल करने की कोशिश जो की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं अब मान लीजिए कि हम मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए ही, करता है कोई भी आदमी, छात्र है, नौजवान है, यूथ है, तो पार्टी के लिए करता है। अब उसमें ऊपर से प्रेशर देते हैं, सीनियर लीडर्स लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो उनको बुला करके समझाएं, आप उनको डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, आप शब्द बोलेंगे, तो ये तो चीज़ नहीं ना हुआ। अब पार्टी में रहता है तो कोई भी अपना इज्जत और सम्मान के लिए रहता है, ऐसा बात नहीं है कि भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। और इसको मीडिया के माध्यम से और क्या क्या तुल पकड़ाया गया, कल हमने भी देखा कि क्या क्या हो गया, फूट हो गया, कोई फूट नहीं है किसी भी तरीके का, कोई दोनों भाई में कोई फूट नहीं है। रामचंद्र पूर्वे आपकी सुन नहीं रहे हैं क्या, प्रदेश अध्यक्ष जो है? रामचंद्र पूर्वे, देखिए रामचंद्र पूर्वे, उनको पापा नहीं अध्यक्ष बनाया, मैं अध्यक्ष बनाया और मंत्री भी रह चुके हैं और फिर MLC बने हैं, उनके जगह भाई कोई नौजवान रहता तो और अच्छा भी रहता। तेजस्वी के साथ नाराजगी की खबर आ रही है कि भाई भाई में झगड़ा हो गया है, सत्ता को लेकर संघर्ष, कोई सत्ता को लेकर, अगर सत्ता को लेकर के झगड़ा हो गया रहता तो शंखनाद जो गांधी मैदान में हमने किया, हम बोले कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है, उसको हम गद्दी पे बैठाएंगे। कल भी हमने यही बोला है, कल भी यही बोला है कि हम उसको गद्दी पे बैठाएंगे और हम द्वारिका जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए शंखनाद करने का ऐलान किया। आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर पर मंत्रियों, विधायकों और आप कार्यकर्ताओं की बैठक में तय किया गया कि 1 जुलाई को पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दिल्ली में सम्मेलन होगा। 2019 के चुनाव में दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाना प्रमुख मुद्दा होगा। इस मौके पर LG दिल्ली छोड़ो का नारा भी दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश को आजादी मिल गई है लेकिन दिल्ली को नहीं मिली, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भी इस बैठक पे चर्चा हुई। और 2019 के लिए दिल्ली के लिहाज से क्या यह बड़ा मुद्दा होगा, ये देखना होगा। हमारे आंदोलन के नायक, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तेलंगाना के अंदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इनकी कभी ये हैसियत नहीं थी कि केंद्र में सरकार बना सकें, मगर इन्होंने लोगों को एकजुट करके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि हर केंद्र सरकार को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। अगर दिल्ली के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे तो केंद्र सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की भी ना हो, ये भी आने वाले 1 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे। कल से वार्ड लेवल पर हमारी मीटिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, बूथ लेवल तक मीटिंग जाएंगी। 1 जुलाई को दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाएगा और उसके बाद लोग घर घर जाएंगे। हालांकि इस मसले पर दिल्ली की पूर्व CM और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर तगड़ा वार किया। आज तक से बातचीत में शीला दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल को पहले संविधान पढ़ना चाहिए और फिर ऐसी बातें करनी चाहिए। देखिए, LG वो नींब लगाते हैं, LG केंद्र लगाता है, और केंद्रीय कौन LG छोड़ेगा, यानी LG को निकाल देंगे, ये कौन होते हैं निकालने वाले, जिसका अधिकार होता है। अगर जो कोई LG को कहीं ट्रांसफ़र करना चाहता है या और नया LG लाना, वो केवल केंद्र कर सकता, वो नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगी केजरीवाल जी को कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लीजिए और पढ़ लीजिएगा और फिर ये बातें करिएगा। भोपाल में स्वच्छता का संदेश देने की अनोखी तस्वीर सामने आई है। शहर के डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने 40 लाख के स्पोर्ट्स कार से कूड़े के ठेले को खींचा,
जिस पर शहर को साफ रखने का संदेश लिखा था। भोपाल के एमपी नगर में कूड़ा लेकर कार को घुमाया गया और लोगों को सफाई के लिए प्रेरित किया गया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहिए ऑनलाइन। डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप या विजिट करिए वेबसाइट aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।